गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्टिन्यूइंग विद अवर क्वेश्चन, ये सेकेंड ईयर आपका हो गया। अब सेकेंड ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया सेकेंड जो मशीनरी थी आपकी उसके ऊपर, क्योंकि पूरा साल आपके पास रही है तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आपने 10,000 रुपीज़ उस पर लगा दिया। देन बैलेंस एसेट का उस ईयर में क्या कौन कौन सी एसेट आपके पास रही। अब फर्स्ट एसेट तो आपकी ख़त्म हो गई, आपने बेच दिया उसको। सेकेंड एसेट आपके पास रही, सेकेंड एसेट का डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करने के बाद उसका बैलेंस कितना बचा है आपके पास, 85,000। इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन ये सेकेंड ईयर के अकाउंट्स फिनिश हो गए आपके। देन थर्ड ईयर में ये बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ 85,000। अब इस ईयर में ये 1 अप्रैल 2002 को बैलेंस शो कर दिया। अब 1 अप्रैल 2002 के बाद नेक्स्ट डेट आपकी कौन सी आती है, नेक्स्ट डेट यहाँ पे कौन सी गिवन है, ऑन 1 अक्टूबर 2002 न्यू मशीनरी आपने परचेज की 2,50,000 की, और जो मशीनरी आपने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2000 को उसे आपने सोल्ड ऑफ कर दिया 84,000 को सेम डेट, मतलब अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 को हमारी दो चीज़ें हो रही है। तो पहले तो अक्टूबर 1 को आपने नई मशीनरी परचेज की तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ हम आगे जो 1, 2, 3 हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल में हम आइडेंटिफाई करने के लिख रहे हैं कि हमारी कौन सी मशीनरी है, मशीन 1 है, मशीन 2 है या मशीन 3 है। तो मशीन 3 आपने कितने के लिए, 2,50,000 की, और अक्टूबर 1 को ही आपने जो मशीन है वो कितने की सोल्ड की है, 84,000 की। तो सेकेंड मशीनरी जो आपने परचेज की तो बाय बैंक अकाउंट 84,000 आपने लिख दिया। अब इस मशीन के ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, जब तक आपके पास रही है। तो अक्टूबर 1 तक आपके पास रही है वो 1 अप्रैल 2002 से, तो 6 मंथ्स हो गए। तो ये जो 85,000 वाली मशीनरी है, मतलब ये जो सेकेंड मशीनरी है इसके ऊपर आपने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए 5,000 का आपका हो गया। देन अब इस मशीन को जब आपने सोल्ड किया तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मशीन थी कितने की यहाँ पे, 1 अप्रैल को 85,000 की, डेप्रिसिएशन लगाया आपने 5,000 का। तो 85,000 माइनस अगर आप उसमें करते हैं 85,000 माइनस 5,000, तो ये बचा आपका 80,000 का। तो 80,000 की आपकी मशीनरी थी और आपने उसे सोल्ड कितने में किया, 84,000 में। तो मतलब 4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 हो गया। अब नेक्स्ट डेट जो आती है हमारी, दैट इज़ मार्च 31, 2003। अब यहाँ पे हमारे पास मशीनरी कौन सी रह गई है, सिर्फ थर्ड मशीन रह गई। और थर्ड मशीन आपको कब, आपने कब ली है, अक्टूबर 1 को ली है। और अक्टूबर 1 से 31 मार्च तक कितना हो गया, 6 मंथ्स हो गए। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम इस मशीन पे लगाएंगे। तो 2,50,000 × 10/100 × 6/12, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया 12,500। तो अब लास्ट डेट पे बैलेंस मशीनरी का, आपका थर्ड मशीनरी आपके पास है, तो 2,50,000 −12,500, तो 2,37,500 आपका मशीन का बैलेंस रह गया आपके पास। तो ये थर्ड ईयर के अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए। तो एक ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आपने देखा, जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है उस मेथड का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट डिफरेंस है, दैट इज़ कि अगर आपकी जो एसेट है वो ख़राब हो जाती है किसी एक्सीडेंट में या कुछ हो गया उस एसेट को, और आपने उसका एसेट का इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपको इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहा है तो उसे हम शो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है आपकी बुक की। ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक्स एट 2,00,000 रुपीज ईच ऑन April 1, 2006। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड ऑब्जर्व्ड कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। Then on 1 October 2000, one of the trucks was involved in an accident and is completely destroyed. Insurance company paid 90,000 rupees in full settlement of the claim. On the same day, the company purchased an used truck for 1 lakh and spent 20,000 on its overhaul. Prepared trucks account for the 3 years ending on 31st December 2000. क्या क्या चीज़ें हमने देखनी थी, ट्रक्स अकाउंट बनाना है, 3 इयर्स के लिए बनाना है,
जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज 20% पर एनम, और मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट। कैलेंडर ईयर है आपका अकाउंटिंग ईयर, तो मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो देखते हैं ट्रक्स अकाउंट, पहली जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई आपने कब की, अप्रैल 1, 2006 को आपने परचेज किए 5 ट्रक्स एट 2 लाख रुपीस ईच, तो मतलब 5 × 2 लाख 10 लाख के आपने ट्रक्स खरीदे। तो अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट 10 लाख, देन डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 31 दिसंबर को आपने लगाया 10 लाख इंटू 20/100। अब कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, आपने कब खरीदा है उसे, अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 से 31 दिसंबर कितने हो गए, 9 मंथ्स हो गए, तो इंटू 9/12, तो 1,50,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। इस ईयर में बैलेंस कितना बचा आपका, 10 लाख माइनस 1,50,000, 8,50,000 का आपका बैलेंस एग्जिस्ट करता है एसेट का। देन इसे कैरी फॉरवर्ड किया आपने नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस पीडी 8,50,000। अब इस ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी नहीं हुई है, तो मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आपने कर लगा दिया था दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फुल ईयर का 2 लाख रुपीज, और बाय बैलेंस सीडी आपका बचा कितना, बैलेंस मशीन जो आपका ट्रक्स है उसका एसेट का 6,50,000। इसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया जनवरी 1 को 6,50,000। अब ये जो ईयर है 2008, इसमें ट्रांजैक्शन हुई हुई है, वो ट्रांजैक्शन क्या है, 1 अक्टूबर को हुई है कि एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ उसका कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 90,000 रुपीस उसकी फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम में, और सेम डे में अपने कंपनी जो थी उसने एक यूज ट्रक खरीदा 1 लाख रुपीस का और 20,000 रुपीस उसकी ओवरहॉलिंग पे उसने स्पेंड की, तो बैलेंस आपका 6,50,000। अगली जो आपका इसका अमाउंट डेट होती है, जो नेक्स्ट डेट आई है दैट इज अक्टूबर 1 को इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किया 90,000, तो बाय बैंक अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपको दिया 90,000। अब हमने जो ये ट्रक इंश्योरेंस जिसका आपने लिया हुआ था और जो ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया है वो कितने का था, इंश्योरेंस कितने का मिला और क्या प्रॉफिट लॉस उस पर रहा, वो भी हमें यहाँ पे लिखना होता है, तो उसे भी कैलकुलेट हमने करना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अक्टूबर 1 को आपने बैंक इंश्योरेंस क्लेम दिया 90,000 का, और अक्टूबर 1 को ही आपने क्या किया, नेक्स्ट जो आपकी मशीन है आपने खरीदी है, नेक्स्ट जो आपका ट्रक है वो आपने खरीदा है, तो आपकी जो कैलकुलेशन है लॉस खरीदा है तो उसका 1,20,000 का आपने खरीदा, तो ये 1,20,000 हमने लिख दिया, 1 लाख प्लस 20,000 ओवरहॉलिंग पे जो स्पेंड किया आपने, तो 1,20,000। अब जो ट्रक आपके पास था जो डिस्ट्रॉय हुआ उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन अक्टूबर तक का, और बाकी रिमेनिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आपने लाना है फुल ईयर का। देख लेते हैं कैलकुलेशन, पहले हम करेंगे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट के, ट्रक्स कितने के थे आपके, एक ट्रक आपका कितने का था, एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है तो एक ट्रक के हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, था 2 लाख का, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना कितना आपका लगेगा। तो अगर हम इसको डेप्रिसिएशन जब देख रहे हैं तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आप एक साल में जो आ रहा है दैट इज 2 लाख, और ये 2 लाख डेप्रिसिएशन है आपका कितने का, 5 ट्रक्स का, 2 लाख डेप्रिसिएशन है आपका 5 ट्रक्स का। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो ट्रक है आपके पास 9 महीने रहा है, तो मतलब कि जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है वो है आता है आपका 2 लाख डिवाइड बाय 5 आप करेंगे तो 40,000 आ गया, 40,000 है आपका पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन, 9 मंथ्स का कितना होगा, तो 40,000 इंटू 9/12 आपका आया 30,000, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 30,000 का, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा फुल ईयर आपके पास रहा वो तो 40,000 में, और थर्ड ईयर आपके पास अक्टूबर 1 तक रहा है मतलब 9 मंथ्स वो आपके पास रहा है 1 जनवरी से, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा 30,000 9 मंथ्स का, तो टोटल डेप्रिसिएशन उस एक ट्रक के ऊपर कितना हो गया 1 लाख। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो उस ट्रक की है ऑन 1 अक्टूबर 2008 वो कितनी है 1 लाख रुपीज। आपको क्लेम कितना रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से 90,000 का, तो आपको लॉस कितना हुआ ऑन अकाउंट ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ ट्रक 10,000, तो बाय पी एंड एल अकाउंट 10,000, और उसी ट्रक पे
जो डेप्रिसिएशन अक्टूबर 1 तक का लगा, ये हम सिंगल जो ट्रक है जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 और बाय पीएनएल अकाउंट लॉस ऑन सेल हम इसे लिख रहे हैं 10,000 का हुआ। अब ये हमारी जो डिस्ट्रॉय हुआ ट्रक उसकी अकाउंटिंग पूरी हो गई। अब जो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिमेनिंग ट्रक्स का लगेगा। अब रिमेनिंग ट्रक्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 ट्रक्स तो रह रहे थे, जो हमारे 10 लिए थे उसमें से एक गया, 9 ट्रक्स हमारे रह रहे थे और एक ट्रक हमने नया खरीदा है। तो जो 9 ट्रक्स हमारे पास रह गए थे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा, 1,60,000। अब टोटल हमारे पास 5 थे तो कितना था, 2 लाख था। रिमेनिंग कितने रह गए हमारे पास, 8 लाख के हिसाब से अगर हम देखें कि एक ट्रक हमारा चला गया तो उसके हिसाब से हमारा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं रिमेनिंग ट्रक्स का, जैसे सपोज यहाँ पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, 5 ट्रक्स का 2 लाख, इसमें से एक ट्रक चला गया, एक ट्रक का डेप्रिसिएशन कितना था, 40,000। तो 2 लाख माइनस 40,000 आपने किया तो रिमेनिंग 4 ट्रक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना रहा आपका, 160,000। तो ये 160,000 में हमने लिख दिया। देन रिमेनिंग आपका जो देन रिमेनिंग जो हमारे पास ट्रक्स रह गए हैं उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। 4 ट्रक्स हमारे पास जो डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया 4 ट्रक्स के ऊपर 160 का। जो नया ट्रक आपने लिया वो लिया 1 अक्टूबर को, तो 31 दिसंबर को आप बना रहे तो वो ट्रक आपके पास कितने महीने के लिए रहा, 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम उसके ऊपर लगाएंगे, मतलब 1,20,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस रेट से, 20% से, और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए हम उसे लगाएंगे। तो 1,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/12, तो ये आपका जो डेप्रिसिएशन आ गया वो आ गया 6,000 रुपीज़। देन दिसंबर 31 को बैलेंस आपके पास ट्रक्स का कितना वैल्यू रह गया है, 4 ट्रक्स का जो है वो है 3,60,000 और जो नेक्स्ट जो नया ट्रक आपने खरीदा उसका बैलेंस 1,20,000 माइनस 6,000, तो 1,14,000। तो ये आपके अकाउंट क्लोज हो गए लास्ट ईयर। तो ये था क्वेश्चन आपका अगर इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डैमेजिंग बैलेंस मेथड, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।